नए ठेके होने के बाद कई रहवासी क्षेत्रों में शराब दुकान खुलने का विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में केसरबाग रोड स्थित घूंघट गार्डन के पास शराब दुकान खुलने के विरोध में रहवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। दरअसल शराब ठेकेदार ने सूने स्थान को किराए पर लिया और टेंट व तख्त लगाकर दुकान शुरू कर दी थी, लिहाजा क्षेत्र की महिलाओं ने प्रशासन से इसे हटाने की मांग की है। महिलाओं का मानना है कि शराब दुकान से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ेगा, दुर्घटनाएं भी बढ़ेंगी। यहां रहवासियों ने प्रण लिया कि जब तक शराब दुकान नहीं हटेगी तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। इस दौरान पुलिस प्रशासन से प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं आबकारी आयुक्त आलोक खरे का कहना है कि हमने कई क्षेत्रों में जनभावना को देखते हुए दुकानों को शिफ्ट किया है। हमने ठेकेदारों को वैकल्पिक स्थान ढूंढने के निर्देश दे दिए हैं। जल्द ही जहां दुकान शिफ्ट हो सकती है कार्य किया जाएगा। बीजलपुर दुकान की शिफ्टिंग तय कर ली गई है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे शायद मीडिया तक पहुँचे नहीं है। हमने बहुत सारी दुकानें जन भावनाओं के आधार पर चेंज कराई हैं, जैसे हाथों दुकान की लोकेशन, चूँकि वहाँ पास में स्कूल था तो हाथों दुकान हमने चेंज कराई है। माचल दुकान को लेकर इशू चल रहा था तो हमने माचल दुकान की लोकेशन चेंज कराई है। सगड़ो दुकान की हमने लोकेशन चेंज कराई है। ये वो मुद्दे थे जो सेटल हो गए, तो ये वो नहीं हुए और कुछ मुद्दे अभी बाकी हैं और हम उनको बिल्कुल जन भावनाओं के सम्मान के अनुरूप सेटल करा लेंगे उनको। ऐसी भी स्थितियां हैं जैसा आप बोल रहे हैं, विरोध में कुछ विरोध प्रायोजित भी होते हैं, कुछ विरोधों के पीछे लोगों के व्यक्तिगत निजी और आर्थिक हित भी होते हैं, तो वही हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका परीक्षण कर लें। जहां पर वास्तविक जन विरोध है उसका सम्मान किया जाएगा, और यदि कोई शासन या शासन के लाइसेंसी को अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो उस पर उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। सामान्य रूप से ये देखने में आया है कि हर वर्ष जो है वो अप्रैल के महीने में जब भी नए ठेके चालू होते हैं, इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, उसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं उसके पीछे। और हम कोशिश अभी भी आज भी 3-4 शराब दुकानों की लोकेशन को लेकर आपत्तियां हैं और विरोध है उन सभी, जैसे केसरबाग दुकान को लेकर है, 54 नंबर का इशू चल रहा है, बाणगंगा दुकान को लेकर भी स्थिति है और बिजलपुर को लेकर भी विरोध है। इसमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां हमको एक अच्छी वैकल्पिक जगह उपलब्ध है उन दुकानों में हम, कुछ दुकानों की तो शिफ्टिंग हमने प्लान कर ली है और कुछ दुकानों में जहां वैकल्पिक जगह नहीं मिल पा रही है तो वहां पे लाइसेंसी को बोला गया है कि वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करे और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ही निर्णय लिए जाएंगे। कुल मिलाकर यहां रहवासियों ने प्रण लिया कि जब तक शराब दुकान नहीं हटेगी तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। ऐसे में जन भावना को देखते हुए जल्द ही कार्रवाई होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।